Hey everyone, I'm back with a new video and today's video is about the difference between molecular mass and formula unit mass. Why we are using this formula unit mass and why we are not using this formula unit mass for every compound or every molecule. So wahi aaj hum discuss karne wale hain. In last video we have already discussed the molecular mass and that link I have given in I button. Aap wahan jaakar use dekh sakte hain. So this is Disha Chauhan and you're watching Scienceaholic. So let's start the video. So the difference molecular mass and formula unit mass. So the first difference is sum of the atomic masses of all the atoms. मॉलिक्यूलर मास जब भी हम निकालते हैं तो ये मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड करके हम निकालते हैं. बट इन फॉर्मूला यूनिट मास सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड. फर्स्ट थिंग, फॉर्मूला यूनिट मास किसी भी आयनिक कंपाउंड का निकाला जाता है, ये सिंपल मॉलिक्यूल का नहीं निकाला जाता है. एंड ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कैटायंस एंड एनायंस होते हैं, उन्हीं कैटायंस एंड एनायन का एटॉमिक मास को ऐड अप करके जो आंसर आता है दैट इज द फॉर्मूला यूनिट मास of any ionic compound. So this is the first difference. Now second, जो भी मॉलिक्यूल होता है, सपोज दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें एक कार्बन है, फोर हाइड्रोजन है एंड दीज फोर हाइड्रोजन्स आर अटैच विद द कार्बन विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होते हैं. बट इन आयनिक कंपाउंड आपको ये एक NaCl का एक मॉलिक्यूल देखने के लिए नहीं मिलेगा. दिस इज द क्लस्टर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl आयन. ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है एंड ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट दैट वी आर यूजिंग एट होम. सो उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है. दिस इज द आयनिक कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड है. सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर लाइक NaCl, Na2O, द डाइसोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड. दीज आर द एग्जाम्पल दैट ऑल आर आयनिक कंपाउंड. तो उसमें से हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया है. सो NaCl में आप देख रहे होंगे दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है एंड इसमें जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कैटायंस एंड आयंस हैं दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. सो जब भी ये दो आयंस अटैच होते हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इन दोनों आयंस को बांध के बॉन्ड करके रखता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl का हम ले रहे हैं तो एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl. मास ऑफ Cl एंड यू नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ Na इज 23, एटॉमिक मास ऑफ Cl इज 35.5. नाउ इफ यू कैलकुलेट व्हाट विल बी द आंसर, इट्स 58.5 एटॉमिक मास यूनिट. सो चिल्ड्रन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास कभी भी आयनिक कंपाउंड्स के निकाला जाता है जिसमें आयन्स होते हैं एंड मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के निकाला जाता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एंड फॉर्मूला यूनिट मास में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स. एंड फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ओनली द डिफरेंस इज आयनिक कंपाउंड्स का है. जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होता है उस टाइम हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं और जब कोई सिंपल मॉलिक्यूल है दैट टाइम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज फॉर ऑल टुडे. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब.